फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th आईएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 सेट के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 1st भी अपन कंप्लीट कर ली थी। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और आज अपन डिस्कस करेंगे 1st C के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1st C के इंट्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? जैसे सपोज कोई सेट आपको गिवन है, लेट करके पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। लेट करके एक सेट ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4, और बी इक्वल टू एक सेट और ले लेता हूं मैं, 2, 4, 5, 6, 8। ये लीजिए, एक सेट में ये जो और ले लेता हूं। देखो, यदि मैं इन दोनों का यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करूं, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि इन दोनों सेट की वैल्यू, इन दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो उस यूनिवर्सल सेट में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इन दोनों का मिलके क्या मिलेगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। ये लीजिए, ठीक है। ये क्या बन जाएगा कि इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट। यदि मैं इसमें कुछ वैल्यू और ले लूं, ऐसे कुछ वैल्यू ले लूं, जैसे मान लीजिए 6, 7, 8, 9 और 10। अब यदि मैं इसमें से एक सेट और निकाल दूं, 1, 2, 9, 10, ठीक है। तो ऐसे तीन सेट है, जो ये तीनों सेट इस यूनिवर्सल सेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इन तीनों सेट के लिए ये सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। बात आती है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे एक तो यू से, कैपिटल यू, फिर दूसरी बात इसको रिप्रेजेंट करेंगे इटा से, और फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इसको कहते हैं इटा, ठीक है ना। इसको रीड कैसे करते हैं, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इसको क्या करते हैं, इटा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी हेडिंग आपकी वेन डायग्राम। क्या हेडिंग है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है कि सेट का ऐसा डायग्राम जो एक क्या हो, एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट हो, ठीक है। क्लोज कर्व के अंदर रिप्रेजेंट करें किसी सेट को, वो क्या कहलाता है, उस सेट का वेन डायग्राम कहलाएगा। जैसे सपोज मैं एक सेट ले लेता हूं 1, 2, 3, ये एक सेट है, सेट ए। अब इसको मैं क्लोज कर्व के अंदर रिप्रेजेंट करूं, तो या तो मैं इसको एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या मैं इसको सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या मैं फिर विदाउट कोई भी एक डायग्राम ऐसे क्लोज ब्रैकेट ले लेता हूं, इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो किसी सेट को एक क्लोज कर्व के अंदर रिप्रेजेंट कहलाना ही क्या कहलाता है, आपका वेन डायग्राम कहलाता है। इस सेट ए के अंदर 1, 2, 3 वैल्यू है, तो 1, 2, 3 ये वैल्यू, इसमें भी 1, 2, 3, ये 1, 3, 2, ठीक है ना। ये आपका सेट ए को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सेट ए ही है आपका, और ये भी सेट आपका ए है, ठीक है। इसको कहते हैं सेट ए को, ए का वेन डायग्राम। क्लियर बात, समझ गए होंगे। ऐसे हैं आपके कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, वो डायग्राम आप बुक के अंदर देख लेना कि वेन डायग्राम के अंदर क्या क्या दिए हुए हैं। डिस्कस करेंगे अपन, क्वेश्चन आएंगे। तो जो फर्स्ट डायग्राम आपके क्या है, देखिए फर्स्ट डायग्राम एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, जिसमें सेट ए और सेट बी रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। एक सेट आपका दो सेट अलग अलग रूप से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और फिर सेट ए और बी ऐसे रिप्रेजेंट किए। मैं बना के बता देता हूं आपको, ठीक है। इसको आप पहले एक बार नोट डाउन कीजिए। यानी जो वेन डायग्राम है, तो एक वेन डायग्राम के अंदर अपन किसी सेट ए और बी को रिप्रेजेंट करें, तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करें। हेडिंग आपकी वेन डायग्राम ये, इस वेन डायग्राम के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कुछ कंडीशंस के बारे में, ठीक है ना। काफी कंडीशन आएंगे, लेकिन इसमें देख लेते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। जैसे सपोज की ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है, ठीक है। इस रेक्टेंगल बॉक्स को अपन यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, या फिर मैं इसको इटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसमें दो सेट गिवन, लेट करके मैं दो सेट ले लेता हूं, लेट,
ए एंड बी आर टू सेट। तो इन दोनों सेट की पॉसिबल जो कंडीशन हो सकती है वो क्या हो सकती है, यदि एक सेट ए है आपका और एक सेट आपका बी है, तो इन दोनों सेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर मैं इस सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये आपका यूनिवर्सल सेट, वापिस यूनिवर्सल सेट। इन दोनों सेट को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये सेट ए है और ये सेट ए, इसमें ये कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मैं वेन डायग्राम के अंदर दोनों सेट को एक दूसरे तरीके से ये भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये तो सेट ए आपका और इसके अंदर ये सेट आपका कौन सा है, बी, ठीक है। ये ए है और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा आपका, ये रेक्टेंगल बॉक्स आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ये ए और बी वैल्यू है। तो कोई सेट आपको गिवन है, दो सेट गिवन है, तो दो सेट का जो पॉसिबल डायग्राम है, वेन डायग्राम है, वो मैं ये बना सकता हूं, ठीक है। समझ गए होंगे, ये आप देख के समझ सकते हो, ठीक है, इतना तो आपको आता ही है। वैसे तो करते हैं नेक्स्ट हेडिंग के बारे में अपन डिस्कस, कि ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में हेडिंग आएगी आपकी, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑफ ऑन सेट्स यानी सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस होंगे वो क्या क्या लगेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन आएगा आपका यूनियन के बारे में, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ यूनियन या यूनियन लिख देता हूं, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखो यूनियन के अंदर क्या, ध्यान से देखना, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी कि कोई वैल्यू है ए ई आई ओ यू, ये आपका एक यूनिवर्स यानी आपका एक सेट ए है, ठीक है, लिख सकता हूं अपन, ये क्या है आपको अल्फाबेटिक वोवल से। बी एक सेट ओ ले लेता हूं जिसमें कुछ वैल्यू है ए बी सी डी ई, यदि इन दोनों सेट का मैं यूनियन फाइंड आउट करूं तो ए और बी की सारी वैल्यू, और अपन सेट के अंदर ये भी डिस्कस करके आए हैं कि सेट के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, तो इस ए और बी का मैं कॉम्बिनेशन निकालूं तो क्या होगा, ए यूनियन बी ही होगा, ठीक है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा और ये यू आपका, इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ए यूनियन बी को मैं निकालूं तो ए तो दोनों में कॉमन है तो एक बार आ गया, फिर बी नहीं है तो बी एक बार आ गया, फिर सी सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, डी एक में है, तो पहले तो जो वैल्यू एक एक है डबल है उनको लिख दो या एक एक को लिख दो, तो ए डबल था तो मैंने एक बार ले लिया, सी बी यहां पे, सी यहां पे, डी यहां पे, तो ये तो आ गई सारी वैल्यू, फिर ई यहां पे भी है और यहां पे भी है, ये लो ई, उसके बाद में आई, उसके बाद में ओ, उसके बाद में ई, ये क्या बन जाएगा आपका सेट ए और बी का यूनियन सेट, ए यूनियन बी बन जाएगा। इसको रीड कैसे करेंगे, ए यूनियन बी ऐसे रीड करेंगे। यदि मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो इसका डायग्राम देखिए आप, डायग्राम जो वेन डायग्राम है ना आपका, उसके बारे में डिस्कस करें तो ये वेन डायग्राम लीजिए इसका, ये यूनिवर्सल सेट आपका यू, इसमें सेट ए है और ये सेट आपका बी है, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, मुझे यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी के अंदर ये सारी वैल्यू तो आई है, तो ये सारी वैल्यू रिप्रेजेंट करवा दो, ये सारी वैल्यू, ठीक है, ये तो ए की वैल्यू आ गई और बी की भी कंबाइन हो रही इसके अंदर, तो ये बी की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है ना, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, ये इसका वेन डायग्राम। उसके बाद में इसकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी इसी के अंदर, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो मैं प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन यानी यूनियन की क्या है प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आएगी
यदि दो सेट दिए हैं, उन दोनों का यूनियन ए यूनियन बी दिया हुआ है, ये किसके इक्वल होगा? बी यूनियन ए के इक्वल। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर कह सकते हो आप कॉमुटेटिव रूल्स कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कॉमुटेटिव लॉ, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी इसकी आएगी, ए यूनियन बी यूनियन सी आपको दिया हुआ है, तो आप ऐसे यूनियन निकाल के इसमें से निकालो, या फिर आप ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ करवाओ, बात एक ही, दोनों वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तीन नंबर की प्रॉपर्टी आएगी इसकी, यदि ए यूनियन फाई, अब फाई क्या आपका एम्प्टी सेट है, यदि मैं ये एम्प्टी सेट कर दूं, खाली कर दूं, तो इन दोनों का मैं यूनियन निकालूं तो ये तो आएगा, ठीक है ना, तो क्या आएगा आपका ए आएगा। इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी आपकी ए यूनियन ए, यानी खुद सेट, एक सेट ए का खुद सेट ए के साथ यूनियन निकालोगे तो ए ही आएगा। फिर मैं बात करूं, यदि कोई यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, ये यूनिवर्सल सेट गिवन है, इसका मैं यूनियन करवा दूं ए के साथ में, तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी अपन देख लेते हैं। इसमें आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ वाली, कि ए सबसेट एंड इक्वल टू आपको गिवन है, सबसेट एंड इक्वल टू गिवन है, तो ये ए यूनियन बी का क्या होगा? सबसेट होगा, ठीक है। इसी को मैं, ये इक्वल दिया हुआ है तो इसमें ये भी एग्जिस्ट करती है कि बी सबसेट, ऐसे कर दो, ए बी सबसेट एंड इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है ना। क्यों? ए यूनियन बी के अंदर ए और बी की सारी वैल्यू होगी, तो ए भी इसका सबसेट होगा और बी भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेवंथ वाली, इसको लिख देना आपकी बुक के अंदर, फाइव पे गिवन है कि ए सबसेट एंड इक्वल टू बी गिवन है, तब देन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी? आपकी बी आएगी। क्यों? क्योंकि ए सबसेट है किसका? बी का। इसका मीनिंग क्या है? ए के सारे एलिमेंट इस बी में एग्जिस्ट करते हैं, तो ए यूनियन बी में निकालूं तो ये बी तो है यहां पे सबसेट है, नहीं, बी में तो है सारी वैल्यू, तो बी यहां पे क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका यूनियन और सेट, और इस पे डिपेंड जो भी आपकी प्रॉपर्टी उसके बारे में, समझ गए होंगे। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, डिस्कस करते हैं अपन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी आएगी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, सेट का क्या? इंटरसेक्शन। आप देख लीजिए, इंटरसेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? ए और बी में कॉमन वैल्यू को, कि इन दोनों सेट के अंदर कॉमन क्या आएगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन? इस उल्टे यू से। तो दोनों में कॉमन एक तो ए आया था और एक ई आया था, तो ये दोनों वैल्यू ही यहां पे आएगी, ए कॉमा ई। इन दोनों का मैं वेन डायग्राम की बात करूं, तो वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा? दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन में बना देता हूं, ये लीजिए आपका कॉमन, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है ना, ये वाली और ये वाली वैल्यू, ये कॉमन आपकी, ये इन दोनों में कॉमन है, यानी ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी वेन डायग्राम में, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन निकालते हैं और यूनियन के अंदर ए और बी की सारे वैल्यू अपन निकालते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं मैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन की जगह ए इंटरसेक्शन कर दूं तो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के, कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दूं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
सी कर दो, तो इन दोनों की वैल्यू क्या करेगी, वैल्यू समान आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर मैं ए इंटरसेक्शन फाइव लू, ये क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली है, इसका मैं इंटरसेक्शन कराऊं तो ये तो खाली है, इसमें कुछ वैल्यू है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, खाली तो आएगा ना, ठीक है ना, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो यहां पे फाइव। यदि मैं एक सेट ए दिया हुआ, उस सेट का उसी सेट के साथ में इंटरसेक्शन कराऊं तो ए आएगा, और यूनिवर्सल सेट का मैं इंटरसेक्शन ए के साथ में करवाऊंगा तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से ये ए वैल्यू वैल्यू बाहर आ जाएगी, ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ और बात कर लेते हैं अपन, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे इसमें गिवन है आपकी फोर वाली आपकी बुक के अंदर कि ए सबसेट है किसका, बी का, ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी का, यानी मैं ऐसे लिखूं इसको, ए सबसेट एंड इक्वल टू बी है, तब इस कंडीशन के अंदर ये ए इसका सबसेट है तो इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालू तो कॉमन क्या आएगा, क्योंकि इस ए के सारे एलिमेंट ना इसमें सबसेट का मीनिंग ये है कि इस ए के सारे एलिमेंट इस बी में होने चाहिए, तो इन दोनों का मैं कॉमन निकाल दूंगा तो ए ही तो आएगा, ठीक है। ऐसे में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं कि फॉर एनी सेट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसको देखो, इसमें प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट है किसका, ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी ये भी सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि दोनों में कॉमन निकालेंगे, ठीक है, दोनों में कॉमन निकालेंगे तो ये इंटरसेक्शन वाला केस इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है ना। अपन एक एग्जांपल लेके देखेंगे इसमें, तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, क्लियर। एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और आएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपको गिवन है, तब ये किसकी इक्वल होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी की इक्वल होगा, ठीक है। इसी में ही दूसरी प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। यदि मैं इसको लिखना चाहूं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको गिवन है तो ये किसकी इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर इन दोनों के बीच में यूनियन है तो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, ये इक्वल इसके होगी, क्लियर बात। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में इसको नोट डाउन कीजिए, डिस्कस करते हैं इन दोनों एग्जाम्पल के बारे में अपन, ठीक है ना, इन दोनों एग्जाम्पल को देखना समझना इसको। देखिए सबसे पहली वाली ये प्रॉपर्टी आपकी ए सबसेट है किसका, बी का सबसेट है, ए सबसेट है तो ए की कुछ ऐसी वैल्यू ले लेता हूं मैं 1 2 3 जो बी में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो 1 2 3 4 ये ले लेता हूं। इन दोनों को देखो, देख के मैं लिख सकता हूं ना, इस ए के सारे एलिमेंट यहां पे है तो ए सबसेट है किसका, बी का, और इक्वल टू बनाऊं तो इक्वल टू के लिए ये बन जाएगा, ठीक है, तो एक बार सबसेट वाला देख लो, ठीक है। अब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालू, इंटरसेक्शन उल्टा यू, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन आना, तो 1 2 3 क्या आया, सेट ए, तो देख लीजिए वही है आपका कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ए आ जाएगी, ठीक है। यदि दोनों को मैं इक्वल करना चाहूं तो इक्वल वाला केस इसको हटा दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, तो ये लीजिए हटा देता हूं। ये क्या कर रहा है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ये कर रहा, क्यों, इक्वल टू केस है तो इक्वल टू केस के अंदर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उस कंडीशन के अंदर भी ये आएगा। इसकी मैं बात करूं कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, देखो ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहां पर कि ए की वैल्यू तो 1 2 3 हो गई और बी की वैल्यू मैं कुछ ले लेता हूं 1 2 3 4 ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। तो इसमें देखो मैं सबसे पहले मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी की बात करो
तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वैल्यू क्या आएगी, 1, 2, 3 ये तो आएगी। तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ए के इक्वल। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए आ गई, ये आ गई, तो ये जो ए है वो ये जो इंटरसेक्शन है वो किसका सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट एंड इक्वल टू ए का होगा और सबसेट एंड इक्वल टू बी का होगा, ठीक है ना, सबसेट होगा किसका, बी का। देख लीजिए कॉमन आ रहा है, यदि मैं दोनों को इक्वल कर दूं तो इस केस में भी इक्वल आ जाएगा। तो ये था आपका ऑपरेशन के बारे में, यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टडी डिफरेंस ऑफ द सेट के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग आपकी डिफरेंस ऑफ द सेट, इसको भी एग्जांपल से देखिए। लेट करके दो सेट मान लेता हूं मैं, सेट ए में कुछ वैल्यू है 1, 2, 3, 4 ठीक है, और सेट बी के अंदर कुछ वैल्यू है आपकी 2, 4, 6, 8 ठीक है, ये वैल्यू है। मुझे डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, a माइनस बी भी निकाल सकते हैं और b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी निकालो मैं, तो सेट a की वैल्यू कितनी है 1, 2, 3, 4, सेट b की वैल्यू कितनी है 2, 4, 6, 8 और b की वैल्यू कितनी है 2, 4, 6, 8 माइनस a की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 ये। यदि मैं a में से b वाले एलिमेंट को माइनस कर दूं, तो b में एलिमेंट कॉमन एलिमेंट कौन से, एक तो ये है और एक 4 है, इन दोनों का माइनस कर दोगे तो एलिमेंट तो दो ही बचेंगे ना a में, फिर तो 1, 3 ये आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, a माइनस b। अब b में से a को माइनस करना है तो b की वैल्यू आपकी ये है, a की वैल्यू ये है, तो इसको और इसको आप माइनस कर दो तो ये दोनों माइनस होगी, रिमेनिंग वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी। इन दोनों को देख के आप कह सकते हो कि ये दोनों a माइनस बी इक्वल नहीं है किसके, b माइनस ए के, तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इन दोनों की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगी, ठीक है ना। कई जगह आपको प्रूव करने पूछ लिया जाए तब की बात। तो ये तो था आपका मैथमेटिक्स से अपन यूज करके डिफरेंस कैसे निकालेंगे दो सेट का, ठीक है ना। तो अपन कैसे निकालेंगे कि दो सेट आपको गिवन है, उन दोनों सेट में से यदि a माइनस बी करो तो a में से b वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए और b माइनस a निकालो तो b में से a को माइनस कर दीजिए। अब अपन डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम के बारे में, तो वेन डायग्राम को देखो। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये कौन सा सेट आपका, यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट गिवन आपको, एक तो सेट ये है ए और ये सेट आपका बी है। इसमें अपन ये वैल्यू जानते हैं कि ये क्या है आपका, कॉमन वैल्यू है। ये कॉमन वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है हमेशा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू तो ये होगी। अब ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है कि इस बी में से इस ए को मैंने माइनस कर दिया, इतनी वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया, इतनी वैल्यू को माइनस करूंगा तो ये वैल्यू माइनस होगी, तो ये वैल्यू आपकी बी में से ए को माइनस करने वाली। और इसकी मैं बात करूं तो ये वैल्यू कौन सी है, ए में से आपने बी को माइनस कर दिया, तो ये है ए माइनस बी, ये बी माइनस ए। डिफरेंस ऑफ टू सेट को वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या हेडिंग आएगी आपकी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसी की हेडिंग है ये, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि अपन A यूनियन B में से यदि मैं A इंटरसेक्शन B की वैल्यू माइनस कर दूं, क्या करना है मुझे कि मैं इन दोनों का क्या निकालूं,
सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, इस ए का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना मुझे बी के साथ में, तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ए यूनियन बी में से माइनस करना है किसको, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए को। यदि इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो मिलेगी ना आपको, यानी इन दोनों का डायग्राम बनाना चाहूं तो डायग्राम देखो, इसका डायग्राम क्या होगा, इसका वेन डायग्राम से समझ लीजिए। ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल सेट यू, इसमें से दो सेट आपको यहां पे गिवन है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, मुझे इन दोनों का आपको माइनस करना है तो ये तो वैल्यू मिलेगी ना आपको रिमेनिंग। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, देखो ये वैल्यू तो मिलेगी ना आपको और ये माइनस, बीच वाली वैल्यू अपन क्या कर दी माइनस। ठीक है ना, ये नहीं आएगी इसमें, कोई भी वैल्यू इसमें काउंट नहीं होगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है इसको, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस किसके साथ में, बी के साथ में। ए का सिमेट्रिक डिस्टेंस किसके साथ में, बी के साथ में। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से भी मिल सकता हूं कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ में करें, तो देखो ये ए की वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है आपकी, देखो कौन सी वैल्यू है, a माइनस बी वाली वैल्यू, a माइनस बी वाली वैल्यू और b माइनस ए वाली वैल्यू, सारी का यूनियन। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें, तो a सिमेट्रिक b का तो फर्स्ट यही हो गया। ठीक है, सेकंड की मैं बात करूं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो सेकंड फर्स्ट तो प्रॉपर्टी आपकी ये हो जाएगी, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल होगा बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ में। ठीक है, वैल्यू कैसे निकाल दो, हमेशा दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाली वैल्यू आएगी यदि मैं ए का सिमेट्रिक डिफरेंस खुद के साथ निकाल दूं, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाई आएगी। क्यों, ए में बी को मैं, ये देखो ये ए माइनस ए कर दो जीरो आ गया, बी माइनस बी कर दो जीरो आ गया। ठीक है ना, उस कंडीशन में अपन ये तो केस पढ़ेंगे। थर्ड वाली प्रॉपर्टी की बात करूं तो थर्ड के अंदर आपकी वैल्यू है कि ए का, इसी में है ये, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस फाई के साथ में, उस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी आपकी, ए आएगी। क्या आएगी, ए आ जाएगी। फिर नेक्स्ट इसकी थर्ड फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में डिस्कस करूं तो इसमें क्या है, यदि मैं दो सेट गिवन है, उन दोनों सेट का ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ में हो, उस कंडीशन के अंदर जीरो आ जाए, कौन सी कंडीशन में, इस कंडीशन की वैल्यू फाई सेट के इक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन कब आएगा ये, जब ए सेट की वैल्यू बी सेट के इक्वल आए, तब ये कंडीशन क्या करेगी, इसमें एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये था आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब डिस्कस करते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, करते हैं डिस्कस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग आपकी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट, यानी सेट का कॉम्प्लीमेंट, सेट की कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नॉट ए। जैसे एक वेन डायग्राम से समझना आप, जैसे मैं ऐसे समझ दूं कि मैं किसी सेट, कोई सेट आपको गिवन है, क्या गिवन आपको, कोई सेट गिवन है, उस सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल, जैसे सेट कोई भी सेट ऐसे वेन डायग्राम से समझो, इसको आप समझ जाओगे, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसको यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें आपकी कौन सी वैल्यू है, एक सेट आपको गिवन है, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एडेस से, एडेस से कह दो या नॉट ए कह दो, बात एक ही है।
इस पूरे की वैल्यू कैसे आएगी कि इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, यूनिवर्सल सेट में से इस ए को मैं माइनस कर दूंगा तो कौन सी वैल्यू आएगी आप बता सकते हो कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से इसको मैं माइनस कर दूं ए को तो यही तो वैल्यू आएगी ना, ये सारी वैल्यू ए को माइनस करने वाला है, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज की आ जाएगी, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में? तो देखो एक यूनिवर्सल सेट में से मैं ए को माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्लियर है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आनी चाहिए, जैसे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, लॉ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ ए सेट, कि एक सेट पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करें अपन तो उस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। यदि एक सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं, वापिस अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल आएगी, ठीक है। सेकंड की मैं बात करूं कि मैं ये बोलूं कि कोई यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है और उस यूनिवर्सल सेट का मैं नॉट यूनिवर्सल सेट निकालू, इसी को क्या लिखेंगे, नॉट यूनिवर्सल सेट, ये कहेंगे। अब पूरा यूनिवर्सल सेट का नॉट यूनिवर्सल सेट क्या होगा, फाइव तो होगा ना, खाली होगा पूरा का पूरा, यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सारी वैल्यू होगी। इस यूनिवर्सल सेट का मैं नॉट निकालू तो ये बाहर वाली वैल्यू होगी और बाहर में गए खाली तो है। उसके बाद में नेक्स्ट इस फाइव के बारे में भी दिया हुआ आपको, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है कि फाइव का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालू तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपका, यूनिवर्सल सेट आएगा। थर्ड वाली प्रॉपर्टी की बात करूं तो थर्ड वाली है कि ए यूनियन ए डैश निकालू, तो देख रहे ध्यान से, ए यूनियन ए डैश, ए डैश की वैल्यू क्या है आपकी, ए डैश की वैल्यू ए नॉट है ना, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए आपको माइनस करोगे तो ये वैल्यू तो आएगी ना, तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपकी यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, ठीक है। ए यूनियन में से ए का यूनियन में यूनिवर्सल सेट के साथ यानी ये दो एक माइनस कर दो तो ए माइनस करोगे तो ये वैल्यू तो आएगी, ये वैल्यू आएगी तो इसमें वापिस ए वाली वैल्यू एड कर दो, ए वाली वैल्यू एड करोगे तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है ना, यानी इस पूरी में ये वाली वैल्यू में माइनस कर दो अगेन तो वापिस क्या आएगा आपका, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। फिर फोर्थ, इसी का मैं इंटरसेक्शन निकाल दूं तो इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इस पूरे, ये तो बाहर वाली वैल्यू ना, इसमें से ये कॉमन थोड़ी आ रहा है, नहीं आएगा तो कौन सी वैल्यू बचेगी आपके पास में, कौन सी आएगी, फाइव खाली बचेगी, ठीक है। ये था आपकी कुछ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, डी मॉर्गन लॉ, ये इंपॉर्टेंट अभी, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आएगी, ए लिख देता हूं, क्या आएगी कि ए यूनियन बी का मैं डैश करवा दूं, नोट करवा दूं, ए यूनियन बी में मैं डैश करवा दूं तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, ए इंटरसेक्शन बी और इन दोनों पे डैश की इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, ए यूनियन बी इस पूरे पे बार दिया हुआ है तो इन दोनों को मैं अलग अलग बार पे लिखूं तो ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। फिर बी, बी वाली प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी पे आपका डैश लगा हुआ है तो इसको लिख सकता हूं मैं ए डैश यूनियन बी डैश, क्या लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश लिख सकता हूं। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए यून ए इंटरसेक्शन बी गिवन आपको तो इस पे अलग अलग पे बार लगा दो, ये बार इस पे आएगा फिर यूनियन बी बार,
ये है आपकी डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ज्यादा यूज होगा, अपन यूज करेंगे इसको बाद में, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट सी का पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, और समझ में आए तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही।